तो फाइनली दोस्तों आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर KGF चैप्टर 2 के रिलीज होते ही पिछले एक महीने में इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दो फिल्में रिलीज हो चुकी है और इन दोनों ही फिल्मों का अपने पहले दिन का जो कलेक्शन है वो तो काफी जबरदस्त रहा ही है। साथ ही साथ दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 से 1500 करोड़ की कमाई करने से कोई नहीं रोक सकता और यही वजह है दोस्तों कि पिछले एक महीने में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पैन इंडिया फिल्म RRR और KGF चैप्टर 2 रिलीज हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन दोनों ही फिल्मों का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन करने वाले हैं और जानने वाले हैं दोस्तों कि क्या KGF चैप्टर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर RRR के पहले दिन के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाई है या नहीं और RRR का अभी तक का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कितना हो चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी रॉकिंग स्टार यश जूनियर NTR और रामचरण के डाहट फैंस है और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर ही फिल्म RRR के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि SS राजामौली सर के डायरेक्शन में बनने वाली एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म थी RRR, जिसे कि बॉक्स ऑफिस पर 25 मार्च को लगभग 10,000 स्क्रीन पर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और इस फिल्म ने सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ही अपने पहले दिन 20 करोड़ रुपए की धमाकेदार ओपनिंग ली। तो वहीं दोस्तों तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया और अपने पहले ही दिन 110 करोड़ की कमाई के साथ वहां पर यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। दोस्तों बताते चले आपको कि RRR को ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया गया। इस फिल्म का एक्शन, इस फिल्म के विजुअल्स और इस फिल्म में राम और जूनियर NTR की बॉन्डिंग दोनों को ही ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया जा रहा है और यही वजह है दोस्तों कि RRR इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 156 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 223 करोड़ की कमाई के साथ बाहुबली के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी थी और इंडियन बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी ओपनर बन चुकी थी। इस फिल्म को दोस्तों हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हर भाषा में काफी पसंद किया गया था और इस फिल्म के मास एलिमेंट्स की वजह से दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही हफ्ते में 730 करोड़ रुपए कमाए। अपने दूसरे हफ्ते दोस्तों इस फिल्म ने 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली इंडियन सिनेमा की तीसरी फिल्म बनी। साथ ही साथ दोस्तों ये इस फिल्म का तीसरा हफ्ता चल रहा है और आज इस फिल्म के तीसरे हफ्ते के खत्म होते ही ये फिल्म 1100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली इंडियन सिनेमा की तीसरी फिल्म बन चुकी है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म का हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जो टोटल कलेक्शन है वो 242 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो लगभग 400 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। साथ ही साथ दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु में इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 75-75 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। लेकिन अगर इस फिल्म का कंपैरिजन किया जाए आज रिलीज होने वाली सबसे मच अवेटेड और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 2 से, जिसे कि आज इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 10,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जा चुका है। दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली ये भी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिससे कि आज हिंदी में तो लगभग 4400 से ज्यादा स्क्रीन मिली है और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म आज इंडियन इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी स्क्रीन लेने वाली फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से काफी बेहतरीन रिव्यूज मिल रहे हैं। रॉकिंग स्टार यश के स्वैग, उनके एक्शन, संजू बाबा के विलन्स अवतार और उनकी धमाकेदार एंट्री को तो ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की फुल ऑफ डायलॉग बाजी में हर कोई ऑडियंस तालियां बजाने पर मजबूर हो चुकी है। दोस्तों बताते चले आपको कि आज इस फिल्म के शो सुबह 2 बजे से ही शुरू हो चुके थे और सुबह 2 बजे से ही दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से हाउसफुल बोर्ड मिल चुका है। दोस्तों बताते चले आपको कि KGF चैप्टर 2 के लिए ऑडियंस के बीच में जिस तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है, इससे पहले दोस्तों इस तरह का क्रेज सिर्फ बाहुबली 2 और एवेंजर्स एंड गेम में ही देखने को मिला था और यही वजह है दोस्तों कि KGF चैप्टर 2 जहां मॉर्निंग से ही हाउसफुल बोर्ड के साथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ओपन हुई, वहीं दोस्तों हिंदी बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का जो कलेक्शन है वो बॉलीवुड की सभी फिल्मों को धूल चटा चुका है। सिर्फ दोस्तों एडवांस में ही इस फिल्म ने हिंदी से 41 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया था। वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल एडवांस कलेक्शन है वो अपने पहले दिन का 80 करोड़ से ज्यादा का रहा। और अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों हिंदी में ही इस फिल्म का अपने पहले दिन का जो टोटल ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 70 करोड़ रुपए
रुपए के आंकड़े को पार कर रहा है, जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल कलेक्शन है। और इस फिल्म ने बाहुबली, वॉर और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी बड़ी फिल्मों को बॉलीवुड में धूल चटा दी है। वहीं दोस्तों इस फिल्म का तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर जो अपने पहले दिन का कलेक्शन है वो 40 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहा है। कर्नाटक बॉक्स ऑफिस पर भी दोस्तों इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 35 से 40 करोड़ रुपए का आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों तमिल बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म किसी भी डब फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग लेने जा रही है। और तमिल बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का कलेक्शन 12 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू रहा है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन 170 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिलती हुई नजर आ रही है, और ये फिल्म ट्रिपल आर के 156 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो पीछे कर रही है। वहीं दोस्तों ट्रिपल आर ने जहां ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन लगभग 75 करोड़ की कमाई की थी, तो वहीं दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 का ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर जो अपने पहले दिन का कलेक्शन है वो ट्रिपल आर से थोड़ा कम हो रहा है। हालांकि दोस्तों उसके बावजूद भी केजीएफ चैप्टर 2 वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ट्रिपल आर के पहले दिन के कलेक्शन को बॉक्स ऑफिस पर मात देती हुई नजर आ रही है। और उम्मीदें हैं दोस्तों कि आज शाम तक इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो 230 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दे और ये फिल्म इंडियन इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म साबित हो। बताते चले दोस्तों आपको कि जिस तरह के बेहतरीन रिव्यूज यहाँ पर केजीएफ चैप्टर 2 को मिल रहे हैं, उम्मीदें तो यही है दोस्तों कि ये फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ और अपने पहले हफ्ते में 750 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर ट्रिपल आर के रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी और लगभग 1500 से 2000 करोड़ की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर लेगी। आपको दोस्तों क्या लगता है, ट्रिपल आर और केजीएफ चैप्टर 2 में इंडियन बॉक्स ऑफिस की लाइफ टाइम बाजी कौन मारेगा? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी